हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। आज कुक सम मैजिक में हम बनाएंगे सोया चाप। सोया चाप हम बनाएंगे खूब सारी मिर्च और खूब सारे मसालों के साथ, एकदम स्पाइसी, जिसको खाने से आपके नाक और कान में से धुआं निकलने लग जाएगा और आपको, लेकिन आपको खाने में बहुत मजा आएगा। यह यूं कहो कि सोया का और मसालों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फायर चाप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने हाफ के जी चाप ली है, इसको हम पहले बॉईल करेंगे कम से कम 15 मिनट तक। तो मैंने ये भगोना लिया है, इसमें मैंने पानी गर्म होने रख दिया है, 3 गिलास पानी है। आप अपने हिसाब से देख लेना, बस चाप डूबनी चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। तो हम इसको फुल फ्लेम पे करके और ये चाप बारी बारी इसके अंदर सारी डाल देते हैं। ये अच्छे से डिप होनी चाहिए पानी के अंदर और कम से कम 15 मिनट हमें इनको बॉईल करना है, 15 to 20, अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। वैसे 15 मिनट सफिशियंट है। ये चाप मैंने इसमें डाली है, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, ज्यादा नहीं। बस अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाते हैं। चाप को बॉईल होते होते 15 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम खोल के देखते हैं। ये देखिए चाप कितने अच्छे से बॉईल हो गई है, कितनी फर्स्ट क्लास फूल के बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और सारी चापों को निकाल के प्लेट में रख लेंगे। सारी चाप निकाल के मैंने प्लेट में रख ली है। अब इसको हम 10 मिनट ठंडा होने देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे और उनको मैरिनेट करेंगे। अब ये चाप सारी ठंडी हो चुकी है, हम इनमें से ये स्टिक्स निकाल लेते हैं। पहले सारी स्टिक्स को निकाल के अलग कर लेते हैं। सारी स्टिक निकाल लिए, अब हम इन चाप के पीस करेंगे। पीस आपकी मर्जी, आप कितने भी साइज के कर सकते हो, बीच में से दो भी कर सकते हो, छोटे भी कर सकते हो। तो मैं थोड़े से छोटे छोटे कर रही हूँ, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े से ऐसे डायगोनल शेप में। और इस तरीके से ये सारे चाप के पीस हमने काट के तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर दही डालूंगी, ये फ्रेश कर्ड है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी चीजें, ये एक चम्मच बेसन लिया है मैंने, भुना हुआ बेसन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इसको चाप को फ्राई करना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला है, ये अजवाइन है 1 चम्मच, इसको हाथ से क्रश करके डालूंगी। और थोड़ी सी 2 पिंच काली मिर्च, ये जरूर डालें आप, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पौना चम्मच लाल मिर्च और इतना ही नमक। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीजों को इनको, और इनको आधे घंटे के लिए इस चाप को इस तरीके से मैरिनेट करके छोड़ देंगे। मिर्च मैं इसमें थोड़ी सी और डालूंगी क्योंकि हम फायर चाप बना रहे हैं और बहुत स्पाइसी चाहिए हमें। अब हम इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये चाप को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। चाप को फ्राई करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसके अंदर सरसों का तेल लिया है मैंने, आप अपनी मर्जी है, रिफाइंड ऑयल लेना चाहो या जैसे भी हो आप कर सकते हो। ये मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम चाप को फ्राई करते हैं। थोड़ी थोड़ी करके सारी चाप हमें इसे फ्राई करनी है। आप, मैं ये थोड़ा सा डीप फ्राई कर रही हूँ, अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो इनको रोस्ट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये चाप को हमने बिल्कुल हर तरफ से अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सेक लिया है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे और दूसरी वाली भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी चाप फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। बस ये इससे ज्यादा हमको इसको नहीं सेकना है क्योंकि थोड़ी सी भी टाइट हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा, गोल्डन ब्राउन बस।
अब इसी तरीके से मैं बाकी की चाप भी फ्राई कर लेती हूँ। जब तक ये चाप फ्राई हो रही है तब तक हम इसके लिए एक बढ़िया सा मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर ये प्याज लिए, दो प्याज मैंने छोटा छोटा काटा है, दो तीन टमाटर कद्दूकस किए हैं, कुछ मैंने लहसुन अदरक चॉप किया है और ये मैंने लाल मिर्च का पेस्ट लिया है 2 से 3 चम्मच। ये लाल मिर्च जो वो कश्मीरी वाली आती है ना वो नहीं है, ये लाल मिर्च जो स्पाइसी वाली आती है तीखी वाली, ये वो लाल मिर्च और आपको वो ही डालनी है। और कुछ है हमारे ये बेसिक घर के मसाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, कढ़ाई में तेल लिया है और इसमें मैं अब तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए मैं इसमें थोड़ा जीरा डालूंगी पहले, उसके बाद में इसमें जो ये लहसुन अदरक हमने ग्रेट किया है ये डालूंगी। जीरा हो चुका है, लहसुन अदरक कर लेते हैं। अब ये लहसुन अदरक और इसके बाद जो मैं प्याज डालूंगी ना उसको हमें अच्छे से ब्राउन करना है, खूब अच्छा सा ड्राई कर लेना है, मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये लहसुन अदरक ब्राउन हो चुके हैं। अब हम ये प्याज डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से ब्राउन होने तक पकाते हैं। अब ये प्याज आधी सिक चुकी है, इस टाइम पे मैं क्या करूंगी, इसमें मैं ये हरी मिर्च डालूंगी। मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लिए और इनको तिरछा तिरछा काट लिया है, इस टाइम पे मैं हरी मिर्च डालूंगी। और अभी इन प्याज को भी 5 से 10 मिनट और सेक रहे हैं, थोड़ा और अच्छा ब्राउन करना है। अभी प्याज खूब अच्छे से ब्राउन हो गई है, इससे ज्यादा करेंगे तो ये थोड़ी कड़वी भी हो सकती है, तो अब इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच मैं ये डालूंगी लाल मिर्च, आधे से थोड़ी सी ज्यादा, ये 3/4, और ये 1 चम्मच और 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच मैं डालूंगी इसमें पिसा धनिया। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ये 3 मसाले डालने के बाद। इनको मिक्स करके इसमें 2 चुटकी काली मिर्च डालूंगी मैं, ये काली मिर्च बहुत जरूरी है, हमने मैरिनेशन में भी डाली थी और थोड़ा मसाले में भी डाली, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डालने के बाद ये जो मैंने लाल मिर्च का पेस्ट है, ये जो पीसी थी लाल मिर्च मैंने तीखी वाली, अब ये सारा पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसी से ये बनेगी एकदम फायर वाली चाप फर्स्ट क्लास। इसको डाल के मिक्स करते हैं, 2 मिनट इसको सेकते हैं थोड़ा सा। इसको मिक्स करके अब एक चीज और मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने मसाला लिया है, ये एवरेस्ट का मटन मसाला है, मीट मसाला भी आप इसको बोल सकते हो। 1 चम्मच ये मैं मसाला डालूंगी, 1 चम्मच के हिसाब से, ये 1 चम्मच मैंने ये मीट मसाला डाला है। ये मीट मसाला इस फायर चाप को इतना अच्छा फ्लेवर देगा कि बस बहुत मजा आएगा इसको खाने में। इसको भी मिक्स कर लेते हैं हम, और इसके बाद ये टमाटर जो मैंने ग्राइंड करे थे, ये ग्रेट किए थे, ये डालूंगी मैं। अब ये टमाटर डालने के बाद इसे हमें कम से कम भी तो 10 मिनट पकाना है, थोड़ा सिम गैस पे थोड़ा सा ढक के, ताकि जो टमाटर है उनका कच्चापन दूर हो जाए। टमाटर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके, अब खोल के हम देखते हैं, टमाटर बढ़िया तरीके से कुक हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें नमक डालेंगे, नमक हमें 1/2 चम्मच ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। 1/2 चम्मच नमक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने जो चाप मैरिनेट करके रखी थी उनमें भी काफी सारा नमक था, तो इस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब अगर इसमें भी हम ज्यादा नमक डाल देंगे तो फिर वो ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा तो खाया नहीं जाएगा, इसलिए हम थोड़ा नमक डालेंगे फिर जरूरत के हिसाब से देंगे। अब ये मसाला भुन चुका है, अब इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा और बस, ज्यादा नहीं, बस इससे ज्यादा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करके जो चाप हमने यहाँ फ्राई करके तैयार की है, अब ये चाप इस मसाले में जाएगी, ये सारी हम बारी बारी एक एक करके सारी चाप मसाले में डालेंगे। इसको मिला लेते हैं अच्छे से,
अब हमें इसको ढकना नहीं है, अब हमें 5 से 7 मिनट इसको खुला ही पकाना है बिल्कुल, ताकि जो पानी हमने डाला था वो मसालों के साथ मिलके चाप पे एकदम कवर हो जाए फर्स्ट क्लास तरीके से, और सब सारा जो मसालों का टेस्ट है वो चाप के ऊपर भी आ जाए। ढकना नहीं है, ढकने से चाप थोड़ी सौगी सौगी सी हो जाएंगी, खुला पकाना है हमें इसे बिना ढके। अब ये चाप में मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, देखो बिल्कुल इसका मॉइस्चर सूख गया है नीचे, बल्कि थोड़ा लगने भी लग गया, इसका मतलब बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है। अब हम लास्ट चीज इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेते हैं। चाप हमारी बिल्कुल रेडी है, स्पाइसी फायर चाप। अब हम इसको सर्व करेंगे, ये हमने सर्व कर दिए चाप को, तो ये बनके तैयार है हमारी स्पाइसी फायर चाप। खाइए और मजे लीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है मेरे चैनल की वो आपके मोबाइल पर आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। कुक सम मैजिक।